लेसन नंबर 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली। मेरी बीमारी श्यामा ने ली गद्य लिखा है और इसको लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने, जिनका जन्म सन 1960 में हुआ था और जिनकी मृत्यु सन 2003 में हुई थी। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गई थी। छायावत्तर काल में कवियों में बच्चन जी का एक विशिष्ट सर्जक रहे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और दो अन्य स्थलों पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। भारत में एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को बहुत शोहरत मिली और उनकी मधुशाला का सभी सम्मेलनों, कवि गोष्ठियों आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे। ये एक आत्मकथा है, इसमें बताया गया है कि श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सभर निरूपण मिलता है तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता प्रकट होती है। श्यामा जो है हरिवंश बच्चन की पहली पत्नी थी। बच्चन जी की बीमारी से उन्होंने तन मन से उनकी सेवा की थी। सेवा करते करते वे स्वयं बीमार हो गई और उसी बीमारी से उनकी मृत्यु हुई। तो प्रस्तुत संस्मरण में बच्चन जी ने अपनी उन्हीं कठिन दिवसों की यादें प्रस्तुत की है। पाठ का सार, बीमारी को महत्व न देना, किपलिंग का उदाहरण, जीवा पर सरस्वती बैठी थी, श्यामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, कठिन लगा मरने से पहले जीना, साथ जाने से तो मरना अच्छा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो, जीवन में चुनौतियों से ही बल मिलता है, श्यामा ने मेहनत की कीमत चुकाई। ये पाठ के कुछ प्रमुख पॉइंट है वो मैंने यहाँ पर लिखे। अब हम इसको सार में पढ़ते हैं। मैं अपनी बीमारी को दुलारने वालों में न था। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था। बच्चन जी कहते हैं कि मैं किसी बीमारी को लेकर बैठने वालों में से न था। यदि सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति हमेशा निर्भय, मुझे किसी बात का कोई डर न था। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। बच्चन जी कहते कि मैंने गांधी जी का एक लेख पढ़ा था, उसमें लिखा था कि बीमार होना बहुत बड़ा अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था। उन्होंने कहा था कि ये जो शरीर हमको मिला हुआ है, यदि हम इस शरीर को पूरी तरह स्वस्थ न रख सके तो हम अपने शरीर के प्रति हमने अपराध किया है। मैं अपनी इस बात को कुछ और आगे तक ले गया। अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारियां होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न रहता। वे कहते थे कि मुझे कभी भी सिर दर्द, बुखार होता था, सर्दी, खांसी कुछ भी हो जाता तो मैं कभी भी बिस्तर पर न लेटता था, बल्कि अपने काम में ही व्यस्त रहता था। मुझे भरे भुट्टे बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है। वो कहते थे कि मैं पहले कितने भी बुखार में तप रहा होता था, फिर भी मैं हमेशा अपनी रात के समय जो ट्यूशन लेता था वहाँ जाना मुझे हमेशा याद रहता था। बुखार की गर्मी और तेजी में तो और भी जोश से पढ़ा था। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है। बीमारी अमीरों की हरम जदगी है, गरीबों को उसके पीछे न लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता। वो कहते थे कि बुखार जो है, यदि गरीब व्यक्ति बुखार करके इस तरह से यदि बैठ जाएगा तो उसके रोटी कमाने का क्या होगा। इसलिए कितनी भी मुझे कितना भी तेज बुखार हो तो मैं और जोश से पढ़ाता। बीमारी जो है वो अमीरों के लिए है, गरीबों को अपनी बीमारी के पीछे दौड़ना नहीं चाहिए। जो बुखार होता है वह सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता। एक तरह की आग जिसने मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिससे गल पिघल कर मेरा हृदय
बदा कर लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। वो कहते हैं कि मुझे कितना भी तेज बुखार हो लेकिन मैं अपने काम में व्यस्त रहता था, अपने बुखार को लेकर बैठा रहता था। बुखार में मैं भले कितना भी बुखार हो लेकिन मैं अपनी बात लिखता जरूर था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हल्क मालूम होते रहते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पर्स से जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी।